राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। और आज है 4 तारीख, दिन शुक्रवार है और इस वक्त शाम का टाइम हो रहा है। मैं आपको घड़ी दिखाती हूँ, ये देखिए 4:40 हो रहे हैं, थोड़ी देर में 5 बज जाएंगे। और इस वक्त भी इतनी कड़ी तेज धूप पड़ रही है कि पूछो मत। ये देखो इतनी तेज धूप है कि बाहर आंगन में भी आने से डर लग रहा है, बहुत तेज धूप पड़ रही है 4:45 बजे भी। और अभी मैं घर में बिना घूंघट के, बिना सर पे साड़ी के घूम रही हूँ, क्योंकि इस वक्त घर में कोई भी नहीं है, ना मम्मी जी हैं ना पापा जी हैं, दोनों बाहर गए हुए हैं, साथ में ये भी गए हैं इनके। तो आज मैं मजे से साड़ी हटा करके बाहर घूम रही हूँ अपने घर में। वैसे सर पे पल्लू रखने में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लगता है सर पे पल्लू रखना और घर की बहुओं की शोभा ही होती है उसी से, सर पे पल्लू से। लेकिन थोड़ा गर्मी में थोड़ी दिक्कत होती है ना, साड़ी जो छिदती है, तो इसलिए आज थोड़ी राहत मिल रही है। इसलिए आप लोगों से कह रही हूँ कि आज मज़े से बिना सर पे साड़ी रखे घूम रही हूँ मैं। और अभी मैं शाम की झाड़ू लगा दूँ, उसके बाद देखते हैं आज खाने में क्या बनाना है, क्या करना है। झाड़ू लगाने के बाद अंजलि ने चाय बना दी थी, तो हम दोनों सोफे पर बैठकर आराम से चाय पी रहे हैं और चाय पीते पीते आपस में एक दूसरे से बातें भी करते जा रहे हैं। और बच्चे हमारे दोनों बाहर गैलरी में खेलने में लगे हुए हैं और तांशु के दूध का भी टाइम हो चला है, तो चाय पी करके उन्हें दूध भी देना है पीने के लिए अभी मुझे। और ये देखिए हमारे तांशु बाबूजी मोबाइल देखते देखते दूध पी रहे हैं, पता नहीं कब अंदर से फोन उठा लाए। नो फोन, नो फोन। और आज दाल बाटी साथ में लहसुन प्याज की चटनी का डिनर है, तो मैं यहाँ पर सिल पर चटनी पीस रही हूँ। और लहसुन प्याज की चटनी के लिए मैंने इसमें एक बड़ी सी प्याज और 8-9 कलियाँ लहसुन की ली हैं। और मसाले में इसमें हींग, जीरा, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक मिला हुआ है। और साथ में खट्टे के लिए मैंने इसमें एक कच्चा आम डाला है, जिससे जो चटनी है वो खट्टी और स्पाइसी बने। और अंजलि कुकर में उड़द की दाल चढ़ाने जा रही है गैस पर। चटनी पिस गई है, मैं ये सिल और बटने को पानी से साफ करके रख दूँ। वैसे तो हमारे यहाँ मिक्सी भी है, मैं मिक्सी पर भी चटनी बना सकती थी, लेकिन सिल पर पिसी हुई चटनी में जो मज़ा है ना, वो मिक्सी वाली चटनी में नहीं है। और ये है लहसुन प्याज और कच्चे आम की तीखी और खट्टी चटनी। और अभी मैंने बाटी
की बाटियां और उड़द की दाल, साथ में लहसुन प्याज की तीखी और खट्टी चटनी। तो दोस्तों देख क्या रहे हैं, आप भी आ जाइए हमारे साथ डिनर करने और बताइए ये नए तरीके की बाटियां कैसी बनी हैं। तो भाई पूर्वी आपने कपड़े कैसे चेंज कर लिए? कपड़े क्या चेंज कर लिए तुमने? आटा लगा लिया होगा सारे कपड़ों में? आटे से खेल खेला है आज? आटे से खेले थे ना आप? नहीं, खाने का शौक था। अरे दाल बाटी खाई थी तुमने, कैसी लगी तुमको? अच्छी नहीं लगी? अरे पूर्वी को बाटी नहीं देंगे आपको, बनाएंगे आज बात पूर्वी को बाटी नहीं मिलेगी। तांतु कोई बाटी नहीं, बाटी कैसी लगी दाल बाटी? है कैसे अच्छी? अरे अच्छी नहीं, अच्छी बहुत अच्छी। तो तांशु के लिए बनेगी बाटी, पूर्वी के लिए नहीं बनेगी? पार्टी तांशु को तो अच्छी लगी, पूर्वी को नहीं अच्छी लगी। हाँ। अब ये बताओ आप दोनों भाइयों को कैसी लगी दाल बाटी? आपको अच्छी लगी थी? वैसे झूठ बोल रहे थे, मजाक कर रहे थे। एक दूसरे की शक्ल देख के बताओगे? पहले बड़े बार बताएंगे, उसके बाद जो कमी होगी वो हम बताएंगे। भैया को अंजलि से डर लग रहा है? अरे स्वाद स्वाद का फर्क होता है। बताओ। अरे हमें स्वाद आया हम बताएंगे, पहले बड़े भैया बताएंगे कमी क्या थी। भाभी ने भाभी खाने की बनाई बाटी में, भाभी की बनाई हुई बाटी में कमी क्या थी? बाटी में तो कोई कमी नहीं थी, मगर जो दाल बनी थी ना, हाँ उसमें थोड़ा नींबू कम रह गया। अच्छा थोड़ा नमक मुझे भी कम लगा था। अगर उसमें नींबू होता, हाँ दाल टेस्ट और लगी थी। पापा जी ने सबसे पहले खाई थी, उन्हें बहुत अच्छी लगी। तो असली मजा तो खट्टे में ही है। इतनी अच्छी दाल बाटी बनी थी, मम्मी जी पापा जी ने तो कितने अच्छे से खाई है। इन लोगों के लिए तो कुछ बनाना बेकार है। देखो जिंदगी का मजा तो खट्टे में है, बड़े भैया का ना जिंदगी का मजा खट्टे में है। जब दाल खट्टा नहीं तो मजा नहीं। अब एक काम करेंगे, अब की बात तुम दोनों की ड्यूटी है किचन में, अंजलि सही है? नहीं अब बात बड़े भाई, अब की बात तुम दोनों का चला रही है, ठीक है? अब की बात हमारी कम। चलो ठीक है, तो बताओ नया शर्त? नहीं शर्त नहीं भाभी, अब की बात हमारी और भैया की कंपटीशन होगी पानी ठीक है, कौन सबसे ज्यादा खाएगा खट्टे का भैया, खट्टे में ठीक है कंपटीशन होगा फिर तो। गोलगप्पा चैलेंज। अच्छा तो दोस्तों आप लोग बताइए, आप गोलगप्पा चैलेंज किसमें देखना चाहेंगे, इन दोनों भाइयों में या हम दोनों बहनों में, किसमें देखना चाहोगे? तो इस बार भाइयों में होगा, दोनों में गोलगप्पा चैलेंज। तीन पार्टिसिपेंट होंगे भाई? नहीं जीवन का मजा खट्टे में, पहले को खट्टा खिलाओ और एंजॉय का मजा लो। अब पानी टेक कौन खाएगा? जी नहीं सकता खाने में, तो सब लग गई पक्की, सब लग गई। तुम आ जाओ मुझसे, तो मार जाओगे पार्टी के मुझे बराबर नहीं आ सकते। तो कल बार आनी है पहले, तो कल गोलों पे चेंज रख दो भैया, आ जाओगे तुम? नहीं आ रहेंगे, गोलों पे चेंज आ जाओगे। देखो दोस्तों जहाँ पर किचन में काम करने की बात आई है, तो दोनों भाई गोलगप्पा चैलेंज को लेके बैठ गए हैं कि किचन में काम ना करना पड़े। गोलगप्पा मतलब बनाना ना, आपको हमारी दाल बाटी बनाई हुई दाल बाटी पसंद नहीं? दाल बाटी मतलब तुम ये दाल पड़ा के हम बनाए खाओगे तुम? वाह भाई वाह, मजे कम लो। दाल बाटी टेस्टी थी, कोई बुरा नहीं था, थोड़ा नमक कम था, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा नमक कम होता रहता है, बाकी सब टेस्टी बढ़िया था। और वास्तव में मजा आया, वास्तव में लगा कि हमें के गांव की दाल बाटी है, गांव की दाल बाटी है भाई। भाई सिटी के आदमी ने गांव की दाल बाटी बनाई, वो भी किस पे? गैस के चूल्हे पे बननी चाहिए थे, बल्कि चूल्हे मट्टी के चूल्हे पे फर्क होता है, उसमें टेस्ट आता था। नहीं टेस्ट बराबर था, गैस के चूल्हे बना लो चाहे मट्टी के, दोनों में टेस्ट अच्छा था। मतलब बनाने बात हो गई दोस्तों, नहीं जो देखो भाई खाना भी खाना और फिर जिएगा थोड़ा बहुत, वो तुम्हारी यदि बजाएंगे पढ़ा के बनाए खिलाओ, हम कंप्यूटर करके बताएंगे। चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कल कंप्यूटर होती है, कल कौन मिलेगा?
तो चलिए दोस्तों, ये बातें तो चलती रहेंगी क्योंकि जब तक रात बाकी है बात बाकी है। अब अपने आज के इस वीडियो को ज्यादा लेंदी ना करते हुए यहीं पर एंड करते हैं। तो प्लीज जाने से पहले मेरी आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्यों तांशु पूर भी लाइक करना है ना वीडियो को लाइक करें। हाँ, जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे जल्दी फिर आप लोगों से एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ, और जहाँ तक हो सकता है इन दोनों भाइयों के गोलगप्पा चैलेंज वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय बाय, सी यू टिल देन, सी यू टिल देन, बाय बाय।